हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सानिया और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। एंजियोस्पर्म एक वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर एंड फ्रूट बियर्स करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जो अर्थ में अभी प्रेजेंट है वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर आते हैं। लगभग 250,000 स्पीसीज जो है फ्लावरिंग प्लांट्स की अब तक डिस्कवर की जा चुकी है जो कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर आते हैं। एंजियोस्पर्म कैन ग्रो इन वेरियस हैबिटेट, जैसे कि ये हाई टेम्परेचर, कोल्ड डिजर्ट, फ्रेश वाटर, स्लाइम वाटर, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट, इन सब जगहों पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं एज अ हर्ब, शर्ब्स, ट्रीज एंड बुशेस। इनके प्लांट का साइज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जैसे वॉल्फिया जो है वो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है एंड यूक्लिप्टस टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। इनके जो लाइफ स्पैन भी है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है टू ए लार्ज एक्सटेंट। जैसे कि बोरेविया, ये सहारा डिजर्ट में मिलता है, इसका लाइफ स्पैन सिर्फ 2 हफ्ते का होता है। एंड सेकेंड है लोमैटिया टैंसमैनिका, ये जो है इनकी उम्र मोर देन 300 ईयर्स होती है। इनको किंग्स लोमैटिया भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स हैव वेरियस मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल, ये सारे जो है स्टेम के मॉडिफिकेशंस हुए हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम तो होते ही है बट इनमें कुछ में जाइलम के पास जो है वो आपके वेसल्स और फ्लोएम के पास जो कंपेनियन सेल्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में हमने पढ़ा था कि जाइलम एंड फ्लोएम तो होते हैं बट जाइलम में वेसल्स एबसेंट रहते थे एंड फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एबसेंट होते थे, बट इनमें जो है वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स भी इनके जाइलम एंड फ्लोएम्स में प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स जो कि पार्ट होता है ओवरी का, वो डेवलप होता है इनसाइड द फ्लावर्स, इसलिए फ्लावर्स जो है मोस्ट अट्रैक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्मी प्लांट्स का। इनके फ्लावर में स्टेमेन एंड कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेमेन को हम लोग माइक्रोस्पोरोफाइल्स के नाम से भी जानते हैं और ये स्टेमेन जो है पोलन प्रोड्यूस करने का काम करता है। ईच माइक्रोस्पोरोफाइल्स जो है उनके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। कार्पल्स को हम लोग मेगा स्पोरोफाइल्स के नाम से जानते हैं। इनके रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन का प्रोसेस यूज़ होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत क्विक होता है एंजियोस्पर्म में। सीड्स जो है इनके वो इनक्लोज्ड होते हैं इन फ्रूट्स, यानी सीड्स बाहर नहीं होते, फ्रूट के अंदर होते हैं। एंजियोस्पर्म का मीनिंग ही होता है इनक्लोज्ड सीड्स, तो सीड्स फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एप्पल, टोमेटो, गवावा एंड एक्सेट्रास। सो ये थे एंजियोस्पर्म के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।